और बात तो बिहार के करेंगे, जहां इंटर टॉपर घोटाले में एक नया खुलासा हुआ है। टॉपर घोटाले से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह की पत्नी और जेडीयू की पूर्व महिला विधायक उषा सिन्हा का नाम भी जुड़ गया है। बिहार में टॉपर बनाने का धंधा व्यवस्थित ढंग से चल रहा था और मुख्य आरोपी की निशानदेही पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को यह बताया है कि उषा सिन्हा ने कॉलेज संचालकों से डील करके अपने पति लालकेश्वर प्रसाद के जरिए रिजल्ट बदलवाया था। कॉल डिटेल में इस बात के सबूत मिलने के बाद एसआईटी ने उषा सिन्हा को घोटाले का अभियुक्त बना लिया है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उषा सिन्हा की महज 8 साल की उम्र में मैट्रिक और 10 साल की उम्र में इंटर और 12 साल में बीए, 13 साल में बीएड और 15 साल की उम्र में एमए पास करने की भी जानकारी दी गई है। वहीं शपथ पत्र में उषा का जन्म 1961 दिखाया गया है और 1976 तक एमए की पढ़ाई करने का ब्यौरा दिया गया है।